तो उसी समय नामदेव का बारा में ये चर्चा लेना मुगल बादशाह का पास गया तो मुगल बादशाह ने उसी समय आदेश कर दिया कि जाओ नामदेव को राज दरबार में हाजिर करो। अब गांव का लोग गया और नामदेव से जी ने कहने लगा कि भैया नामदेव आज तुक मुगल बादशाह ने अपना राज दरबार में बुलाये और वहां तुका हाजिर होनू। तो नामदेव घबराने लगे, डरने लगे कि अरे आज महाराज से ऐसी कौन सी भूल हुई, कौन सो अपराध हुयो ताकि आज मुगल बादशाह ने राज दरबार में बुलाये। क्योंकि उस समय मुगल बादशाह को ऐसो अनुशासन थो और राजा को ऐसो अनुशासित अनुशासन थो कि प्रजा को जब भी याद करता था, जब भी कोई आदेश करता था तो प्रजा उनका आदेश को स्वीकार करती थी, उनकी आज्ञा को पालन करती थी और जब भी बुलाओ जब उनका राज दरबार में हाजिर होता था। क्योंकि ऐसी मर्यादा न बनेलती, राजा एक अनुशासित स्वयं भी था और शासन का भी अनुशासित चलाता था। क्योंकि उनको ऐसो दबाव दो, उनको ऐसो प्रभाव दो राज्य का ऊपर, क्योंकि ऐसी मर्यादा न ऐसा नियम बने रखे। हमारा संत प्रमाण दे कि भैया जो चार नियम था उस समय कि राजा गरम, प्रजा नरम, साधु महात्मा में धर्म और नारी के अंदर शर्म, ऐसी व्यवस्था न उस समय बने लेती। तो जैसे ही राजा ने आदेश करो तो नामदेव का हाजिर होना पड़े क्योंकि राजा का आदेश को स्वीकार करना पड़े। तो उसी समय जैसे मुगल बादशाह को आदेश हुयो नामदेव वहां हाजिर हुयो। मुगल बादशाह नामदेव से कहने लगे क्यों रे नामदेव क्या जानता है तू? तो कहे महाराज कहने भगवान का भजन करा और तो कुछ नहीं जानता। तो मुगल बादशाह कहे कि क्या तेरा भगवान ये मंदिरों का मुंह भी घुमा देता है? अब नामदेव विचार कर रहे कि अब भगवान किनका किनका मुंह घुमाओ जाए कोई फकाई बताओ। अरे वो अपना शरीर का अहंकार न का तो रोज घुमाओ तो फिर भगवान आए क्या कि पर मां बोली भी नहीं सकता कि महाराज ये तो भगवान ही जाना, हम तो कुछ नहीं जानता, हम तो जैसा टूटा फूटा भजन हमारा से बना है वैसा भजन भक्ति करा। तो उसी समय मुगल बादशाह ने एक गर्भवती गौ माता बुलाई और नामदेव से कहा कि नामदेवता इस गौ माता के पेट में क्या है? अब नामदेव विचार करे कि अभी गौ माता का पेट में काई छे कहूं काई बताऊं। लेकिन आदेश उसी समय नामदेव भगवान से प्रार्थना करे कि देखो भगवान मारा अंदर बोलना वाला तो आप ही छे और आप जो बोलोगे वो सत्य है। उसी समय नामदेव ने कहा कि महाराज इस गौ माता का पेट में एक लाल रंग को बछड़ो छे। अब उसी समय मुगल बादशाह तो ठहरे हो उन्हें अपना जल्लाद को बुलायो और उसी समय गौ माता को चाक करवाई दी। अब जैसे ही गौ माता को चाक करवाई जैसो नामदेव ने बछड़ो बतायो गुरु महाराज की कृपा से जैसो को तैसो बछड़ो निकलो। तो मुगल बादशाह भी नामदेव से कहने लगे कि नामदेव तेरी ये बात तो बिल्कुल सत्य निकली, तूने जैसा बच्चा बताया वैसा बच्चा निकला। लेकिन अब एक काम कर, ये गौ माता जैसी थी वैसी करनी तो अब तेरे हाल भी ऐसे ही होंगे। फिर नामदेव घबराने लगे। उसी समय भगवान से याद करे, भगवान से प्रार्थना करे, उस एक लाल कपड़ो गौ माता का ऊपर डाले और उस गौ माता की परिक्रमा लगा तो गए नामदेव। और उसी मुगल भाषा की भाषा में नामदेव भगवान को बुलावे कि हे कन्हैया हे सावड़िया आज तुख अवनो पड़ेगा। उसी समय नामदेव भगवान से प्रार्थना करे कि तुझे को आना पड़ेगा लल्ला, 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 माता यशोमती के बल्ला तुझे को आना पड़ेगा लल्ला, माता यशोमती के बल्ला आना पड़ेगा लल्ला, तुझे को आना पड़ेगा लल्ला, तुझे को आना पड़ेगा लल्ला, लल्ला माता यशोमती के बल्ला तुझे को आना पड़ेगा लल्ला, माता यशोमती के बल्ला तुझे को आना पड़ेगा लल्ला। हो ये आधमने गवाहनाई, ये आधमने गवाहनाई,
के वो खाती घास फुल्ला फुल्ला तुझको आना पड़ेगा लल्ला करे बाद हरे धन धन हरा सुर लीला तुझको आना पड़ेगा लल्ला हरे धन धन हरा सुर लीला तुझको आना पड़ेगा लल्ला हरे धन धन हरा सुर लीला तुझको आना पड़ेगा लल्ला तुझे को 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 आना पड़ेगा लल्ला माता यशोमती के बल्ला तुझे को आना पड़ेगा लल्ला माता यशोमती के बल्ला तुझे को आना पड़ेगा लल्ला 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 सदगुरु महाराज की जय। उसी समय नामदेव गो माता की परिक्रमा लगा तो जाए और भगवान के याद कर तो जाए कि तुझको आना पड़ेगा लल्ला तुझको आना पड़ेगा लल्ला। भगवान आया तुम क्यों भागी रहे होगा शांति बाबा सदगुरु महाराज की जय। सिंहा जी महाराज की जय। उसी समय जैसे ही भगवान को याद करो उसी समय भगवान भी नामदेव की प्रार्थना स्वीकार करे और अपनी कृपा दृष्टि गौ माता का ऊपर डाली कि टूट गया तार निकल गई फांसी और उसी समय गौ माता को प्राण दान मिले गौ माता खड़ी हुई जाए और उसी समय घास चरने लगी जाए कि टूट गया तार निकल गई फांसी वो खाती घास खुल्लम खुल्ला तुझको आना पड़ेगा लल्ला। जैसे गौ माता खड़ी हुई न घास चरने लगी जाए तो मुगल बादशाह भी घबराते हुए कहने लगे कि धन्य कहनो ऐसा संत भक्त ने कह जिनकी एक पुकार का ऊपर भगवान भी तैयार छे तोबा तोबा करे बादशाह धन धन है रसूल लल्ला तुझको आना पड़ेगा लल्ला।